गाइस अभी हम ये देखिए दो आईने हैं, अभी हम आईना फिटिंग करेंगे। पहले हैं नट निकाल के गाइस, अभी देखिए आईना तो फिट हो चुका है, ये वाला टाइट है। तभी हम पहले देखते हैं मतलब जो हमने लगा है तो फिट है कि नहीं। देखिए टर्निंग के टॉप पे आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ कैमरा मैन जरा निकलेगा, ये देखिए ये हाथ है, ये देखिए यहाँ पर लग रहा था हाथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था मैंने आईना मंगा दिया था, तो आज हम आईना फिटिंग करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइज अभी हम ये देखिए दो आईने हैं, अभी हम आईना फिटिंग करेंगे। पहले हैं नट निकाल के, कि मैंने बोला था ना पिछली वीडियो में कि टाइट हो गया ज़रा, तो इसे पहले एलन के साथ लूज करेंगे। पीछे दिया लूज और आप मुझे दिखाते ये, सिर्फ आपको ऐसा लगता है ना कि आईना नट पर टाइट होता है, ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ पूरा निकाल के, देखिए गाइस नट कितना बड़ा है, पूरा अंदर तक जाता है ना, इसलिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए दो वाइसर इधर, ये दो वाइसर इधर लगते हैं और बाकी के दो वाइसर जब आईना लगेगा ना तो इसके अंदर लगते हैं, तो खाली नट पे फिट नहीं होता है। दो वाइसर ये ऊपर और दो वाइसर नीचे रहते हैं। अगर अगर हम फिटिंग करते हैं पर आपको देख के पता चल रहेगा कि देखिए दोनों आईना सेम दिख रहे हैं। अब ये राइट का है कि ऐसा लेफ्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा, देखिए ऐसा ही देखिए ये सेम दिखता है। तो अभी हम देखना पड़ेगा कि देखिए ये आईना जो है इधर ऊपर यहाँ नीचे देखिए हीरो की ब्रांडिंग रहेगी, आपको दिख रहा रहेगा थोड़ा ब्लर, ये देखिए तो नीचे हीरो की ब्रांडिंग आती है। तो हम आईने में देखते हैं कि इधर ब्रांडिंग है नीचे, ये देखिए नीचे इधर भी नीचे, तो फिर वापस हम देखेंगे कौन सा लगेगा। मुझे तो लगता है ये लगेगा क्योंकि ये ऐसा लग रहे हैं, तो ये देखिए ऐसा लगने में तो ये लग रहा है, वो लेके आओ वो भी देख लेते एक बार हम कि कौन सा सही लग रहा है। ये देखिए अगर ये लगाएगी इधर तो ये देखिए हीरो की ब्रांडिंग ऊपर आ जाएगी, और जो ये साइड का स्कैनर नीचे आती है, तो ये आईना नहीं है जो हमने पहले देखा था, ये वाला यही आईना है। पकड़ इसको भाई, देखा दूर से दिखाता आपको कैसे रहेगी ऐसी बाइक, अलग कलर है पर अभी हम कलर करके बाद में इसे लगा देंगे, हम खाली फिटिंग करके दिखाएगा। ये देखिए दो आइसर इधर है और ये दो आइसर आपको दिख रहा रहेगा, मैं अंदर डाल दिया हूँ, ये दिख रहा है आपको थोड़ा साइज ठीक है, मैंने चिपका दिया हूँ कि वो गिरे ना, फिर हम इसे लगा देते फिटिंग कर देते। पहले आपसे ऐसे ही फिट करना, सीधे एलन कैसे नहीं करनी, जितना हाथ से हो रहा है वो कर लिया, बाद में एलन से करना। और एक बार फिट हो जाए उसके बाद हम सेट कर देंगे बैठ के कि आईना कैसा दिख रहा है क्या है। अगर आपके पास एलन के टूल नहीं है तो आपको मजबूरन मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, पर मैं क्या सब करता रहता हूँ बाइक का छोटा मोटा जो है, तो मेरे पास सब टूल किट है। देखिए गाइस अभी देखिए आईना तो फिट हो चुका है, ये वाला टाइट है। तभी हम पहले देखते हैं मतलब जो हमने लगा है तो फिट है कि नहीं। देखिए टर्निंग के टॉप पे आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ कैमरा मैन जरा निकलेगा, ये देखिए ये हाथ है, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है ऐसा हाथ, ये देखिए कितना डिस्टेंस है इधर हाथ, ये देखिए कितनी सा है, मेरा हाथ आया तो ऐसे अटक गया हाथ, और यहाँ पर है यहाँ पर इतना नहीं है। देखिए यहाँ पर हाथ हम इधर पकड़ते हैं, इधर इधर से नहीं पकड़ के ना, यहाँ पकड़ के ना, तो यहाँ पर सही है पर यहाँ पर जो है वो यहाँ हाथ अटक जाता है। तो अभी हम इसे ज़रा लूज देखे लूज देखा है, इसे ज़रा जैसे नीचे ही चाहिए या ऊपर चाहिए हम फिक्स करेंगे। देखिए सुंदर ने थोड़ा ऊपर ले लिया तो हाथ मेरा ये हो जाएगा, और मुझे चाहिए पीछे का व्यू, तो ये देखिए यहाँ से आइए, ये देखिए ऐसा रख दिया, मुझे पीछे का व्यू मिल रहा है, मैं बाइक ऐसे चला रहा हूँ, ये देखिए मुझे जितना चाहिए पीछे का वो व्यू मिल गया हो गया। और ये देखिए मेरा हाथ भी अभी टच नहीं हो रहा है। तो आपने सीधा लगा के ये टाइट नहीं करना है, आपको पहले थोड़ा लूज रखना है, बैठ के आपको देखना है कि कितना आ रहा है हाथ, अटक रहा है नहीं अटक रहा है, आगे पीछे का व्यू बराबर करना है। अभी इसे मैंने सेट कर लिया हूँ, तो अभी हम इसे इसी पोजीशन में टाइट कर देंगे। तो पहले आपको इसे पकड़ लेना कि ये हिले ना, देखिए अब ये टाइट हो गया, देखिए हिलाता इसे नहीं हिल रही है, हो गया टाइट। अभी हम इसे बाइक चलाएंगे तो देखिए मेरे हाथ में देखिए डिस्टेंस है, इधर टच नहीं हो रहा, इधर भी पकड़ूँ तो भी ये देखिए ऐसा। तो अभी हम तब चला सकते हैं, चलने में कभी राइडिंग में टर्निंग वर्निंग में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अभी तो देखिए अलग कलर है, तो थोड़ा अलग लग रहे हैं, मतलब
ग्रे भी है, ग्रीन भी है और वाइट बाइक है। तो मैं खाली आपको दिखाने के लिए फिटिंग किया था, पर मैं सोच रहा अभी इसे निकाल दूँ और पहले इसे मैं कलर कराऊँ, इसे और ये टायर को एक साथ मैं कलर करा दूँगा वाइट जो है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। और जैसे आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा गिल्ला गिल्ला है, बॉम्बे में वापस बारिश गिर रही है ठंडी के सीज़न में, तो कलर करके कुछ फ़ायदा ही नहीं, अभी पैसा बर्बाद होगा। ये देखिए गिल्ला ही है, मैं सोचेगा बारिश रुक जाए फिर कलर करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।